हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की यह वीडियो काफ़ी आपके लिए मतलब काफ़ी दुखद हो सकती है, और प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और वैसे आपको जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको पूरा पता होगा इसके बारे में। दोस्तों इसकी न्यूज़ जो है कल से ही चल गया था, कल दोपहर 1-2 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन जैसा कि हर बार हम लोग के पास हमेशा फेक न्यूज़ आता है, तो इस वजह से हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फेक हो। और मैंने भी इसका इंतज़ार किया, मुझे भी शाम को पता चल गया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब इसका पूरा पुख्ता हो जाएगा अच्छे से तो मैं तभी उसका वीडियो बनाऊँगा और ताकि आपको लोगों को जानकारी दूंगा। और दोस्तों जैसा कि आज पेपर आया और सुबह से मैंने देखा तो कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से जब जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पेपर में इस तरह से आया हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए हुई भर्ती रद्द, राइट। तो ये जो आपका 2018 की जो वैकेंसी थी दोस्तों, आपका 1953 पोस्ट के लिए हुआ था इसमें, तो इसमें कुछ पोस्ट अलग अलग थी तो सारे पोस्ट के लिए हुआ था। तो इस अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों अब कैंसिल कर दिया गया है। मैं भी आपको वेबसाइट पर जाकर दिखा दूंगा, और उसके UPSC के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग 3-4 जो नोटिस आया हुआ आयोग की तरफ से, वो सारे कैंसिल दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब दुखद है दोस्तों। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ साइट पर, फिर वहीं पर बात करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये है आपका UPSC का वेबसाइट, ऑफिशियल पेज है। अब आप यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए इस तरह से आपका नोटिस बोर्ड होगा। अब आप यहाँ पे जितने भी मतलब पेज 3-4 दिया हुआ, 1-2-3 या 4 दिख रहा होगा, तो जो भी आप क्लिक करेंगे सब दिखा रहा होगा कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो इस तरह से पूरा कैंसिल कर दिया गया है, और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आपका नोटिफिकेशन वही रहेगा। मतलब ये कि आपका वैकेंसी वही रहेगा, आपका एग्ज़ाम बार दोबारा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कष्टदायक हो सकता है जिनका अभी हुआ होगा। हालांकि देखिए इसमें चला था आपका ये जो, इसमें थोड़ा सा मान सकते हैं कि इसमें चली थी मतलब वैकेंसी में जो है आपका पैसा वगैरह चला था, इसलिए वजह से लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है कैंसिल हो गया है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मतलब लोग के लिए लग रहा है सारा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा यह वैकेंसी तो पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, मतलब ज्वाइनिंग होना था सिर्फ, समझ सकते हैं आप, यह वैकेंसी तो हो जानी थी। तो इससे नए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसमें जिनको जाना था कोई दिक्कत नहीं, चले जाते हैं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली थी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब यही पेपर दोबारा से लिया जाएगा, नई वैकेंसी तो कोई ठीक नहीं है, नया वाला होगा। तो अब इसी पे जो आपका जो 2018 का जो कैंसिल हुआ है, अब वापस से जब इसका एग्ज़ाम होगा तो अब नया वैकेंसी तो आने वाला नहीं है, चाहे जो भी हो, चाहे लेट भी कर सकते हैं लोग। अगर मान लीजिए नया आता भी है वैकेंसी, जो लोग खुश हो रहे हैं कि यार कैंसिल हो गया चलो अच्छी। तो दोस्तों जिनको भी ये लग रहा है कि ये जो वैकेंसी मतलब कैंसिल हो गई ठीक है जो भी अच्छा है, तो मतलब ये सही चीज़ नहीं है यार। ऑलरेडी वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, और अभी इससे पहले एक वैकेंसी जो आने वाली थी, अब शायद इसकी वजह से वो आए भी ना, और जिनका हुआ है उनका कितना लॉस हुआ है वो तो आप समझ सकते हैं। ऑलरेडी पढ़ाई भी लोग छोड़ चुके होंगे, और कुछ लोगों का शादी ब्याह भी हो गया, तो ऐसे लोग क्या है कि वापस से बैक शायद ना कर पाए, और यानी कौन कौन सी मतलब जॉब है जो उनकी लग रही थी शायद उस समय, वो लोग उस जॉब को नहीं लिए होंगे। तो कहना मतलब कि वैकेंसी में देखिए मानते हैं कि अनफेयर हुआ होगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई भी कदम उठाना होता तो आपको एक साल बहुत होता है, एक साल के अंदर वैकेंसी एग्ज़ाम होता है, एक साल एग्ज़ाम के 6 महीना या फिर एक साल के अंदर ही अंदर जो करना होता है वो सारा प्रक्रिया आपको कर देना चाहिए था, मतलब कैंसिल कर देना था। लेकिन आपने 2018 से लेकर 19, 20 और 21 चल रहा है, आप समझ सकते हैं पूरा मतलब मेंस हुआ, PT हुआ, सब कुछ हुआ, DB वगैरह हो रहा है, मतलब ज्वाइनिंग करना था समझ जाइए। तो अब आप कैंसिल करेंगे, समझ सकते हैं कि सारे लोग तो मतलब दोषी नहीं होंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब 80% 90% बिल्कुल ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल अपने दम पे इसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए होंगे, तो उनका जो लॉस हुआ वो कौन, वो तो वही समझ सकते हैं ना, हम आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जिनका लॉस हुआ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, आप समझ सकते हैं, काफ़ी लोग भी दिखते अभी आएगा न्यूज में कि किस तरह से लोग कदम उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो चलिए अभी बस यही कहा जाएगा कि जो UPSC दोस्तों काम सही नहीं कर पा रहा है, अगर हो सके तो जैसे भी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली थी, आपको पता होगा तो एक बार तो आया था कैंसिल हो गया था क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का पंगा था, अभी वापस से आ रही है तो वो PAT के थ्रू कराया जाएगा। तो हो सकता है अब जो भी है UPSC आयोग जो है उसको हटा दिया जाए और कोई नया आयोग आए, लेकिन आयोग आने से मतलब नहीं है दोस्तों, जो वैकेंसी में जो धांधली होती है वो तो होती ही आ रही है, क्योंकि वो मैनुअल होता है, लोग आपसे लोग मिल के करते हैं जो भी है, तो उसके लिए कुछ अलग कड़ा नियम बनाना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम एग्ज़ाम कैसे भी हो बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए, आप कम ही मतलब कुछ दिन तक कराइए और अच्छे से कराइए मतलब। चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये जो है आपका वीडियो का, तो वीडियो के जो आया हुआ नोटिस उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का आया हुआ है ये वाला, देखिए इसमें 1-2 मैंने बताया था कि इसमें और भी सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो ये देखिए आपका है सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी का, जो कि आपका 2019 का है, और ये 8/5/2021 को इसका परीक्षा जो होना था
और इसको स्थगित कर दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। और इसके बाद हम लोग वीडियो का देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग, ये जो है आपका 02 परीक्षा 2018 के क्रम में दिनांक 22/23/2018 को आयोजित सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 को आयोग द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यह फाइनली कैंसिल हो चुका है, जैसा कि कल से ही चल रहा था, लेकिन पूरी तरह से मतलब ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि यार सच बात है कि नहीं है। तो जैसा कि अभी यार न्यूज़पेपर मैंने आपको दिखाया आर्टिकल, तो जब क्लियर हुआ है तभी मैंने इसको डाला अपनी वीडियो पे, अपने चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा। डीमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है। अभी आपके पास सामने SI का एग्ज़ाम है, हालाँकि उसमें भी बहुत दिक्कत कर दिया है, ओवर एज का आपको पता होगा, 30 साल जो भी है किया है, और ओवर एज की वजह से बहुत लोग आप में से काफ़ी लोग ओवर एज चुके हैं। कुछ लोग गए हुए हैं कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह किए गए हैं, और मैटर चल रहा है। अगर रिलैक्सेशन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको पता ही है। और UPSI का जो है अभी इसी अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और जून में उसका एग्ज़ाम है, राइट। इसका अब सब कुछ नोटिस ही आ चुका है। तो जो UPSI है उसका जून में एग्ज़ाम है। और फिलहाल अभी जो वीडियो की बात कर रहे हैं, तो इसका आप देखिए वापस से आपको एग्ज़ाम देना है। वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं हुई है, मतलब वैकेंसी वही रहेगी, लेकिन सब कुछ फिर से होगा। ओके, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना रहेगा। तो जो लोग भी उसका आवेदन किए थे वो लोग अपना अगर समय रखे होंगे तो उनके लिए वापस एक एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और हो सकता है, मुझे लगता है कि सर जल्द ही एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि काफ़ी लड़के भड़क जाएंगे इस पर, और कुछ ना कुछ अभी मुद्दा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आज ही कन्फर्म हुआ है। तो अब लड़के काफ़ी लड़के जो हैं स्ट्राइक भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो हो सकता है इसका, देखिए अभी कुछ और भी हो सकता है, इसका फैसला तो अब कैंसिल हो ही चुका है, लेकिन एग्ज़ाम अगर होना होगा तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो आप अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी में अच्छे से लग जाइए, अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और यही कहेंगे दोस्तों इसका, तो चलिए ठीक है, आपको भी बात समझ में आ गई होगी और आपको भी मैसेज मिल ही गया होगा। तो बस यही कहेंगे दोस्तों, आप लोगों के पास जो भी चांस, मतलब देखिए आज की डेट में हम आपको बताते हैं, ये जो गवर्नमेंट है, आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ प्राइवेट हो रहा है, आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं है। मतलब जो भी जॉब मिले दोस्तों, याद रखिएगा, आपके पास इतना टैलेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि एक आप ग्रुप सी का, अगर आप वीडियो लेवल का आप जा रखते हैं तो आपको ग्रुप सी का भी आराम से मिल जाएगा नौकरी, और आप कुछ भी हो यार, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा यार, आपको ग्रुप डी का भी मिलता है एक बार, तो आप जाइए पहले उसमें, आप एंट्री करिए, जॉब करिए, उसके बाद जॉब करते हुए आपको जो कर सकते हैं आप वो करिए। ओके, देखिए हम अपना बताते हैं दोस्तों, मैं खुद पर्सनली मतलब मैं भी इसी प्रिंसिपल चला हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया, मैंने वीडियो भी दिया था, मेरा कुछ नंबर से रह गया था, तो कोई नहीं। और मेरा फाइनली अभी रेलवे में हो चुका है, तो मुझे मेरा भी ज्वाइनिंग होना है, लेकिन कोरोना की वजह से रुका हुआ है। तो बस यही कहेंगे, जहाँ भी आपकी जॉब हो सकती है प्लीज़, आपसे कि ड्रीम सबका ऊपर होता है, काफ़ी हाई ड्रीम सबका होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका ड्रीम पूरा हो। और वैसे भी जो सिचुएशन चल रहा है इस समय, वो ऐसा है कि आपका मतलब ड्रीम शायद ही पूरा हो पाए। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप डीमोटिवेट होइए, पहले ये करिए, अगर आप क्षमता है वो करने का। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के मैं समाप्त करता हूँ, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बस आप लोग मोटिवेट रहिए, एग्जाम दीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू। और कोई भी जॉब मिले, जो भी आप ले जॉब ले लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।